नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों हो जाइए सावधान, स्वयं महादेव ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया। अगले 5 दिनों के अंदर बड़ा धमाका होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 5 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं होगी। अगर बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बताई गई हर एक बातों को, हर एक जानकारियों को अच्छे से सुनना होगा और अच्छे से सभी सावधानियों को पालन करना होगा। आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और नक्षत्रों की चाल पर इस वीडियो का निर्माण हुआ है। अतः सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि अगले 5 दिनों में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है ताकि आप खतरों से दूर रह सकें और आपके ऊपर कोई खतरा हावी ना हो सके। दोस्तों यह 5 दिनों में क्या क्या खुशखबरियां मिलने वाली है, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका करियर बिजनेस कैसा रहेगा, तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए व अन्य सभी क्षेत्रों की स्थितियों में क्या क्या, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अपना थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समय को ज़्यादा ना लेते हुए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक छोटा सा अनमोल ज्ञान से, जो कि आपको अपने जीवन में बहुत काम आएगा। जरा ध्यान से कान लगाकर सुनिएगा। देखिए हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि आंखें बंद कर लेने से मुसीबतों का अंत नहीं होता और मुसीबत आए बिना आंखें भी नहीं खुलती। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में मुसीबत आती है तो घबराइए मत, डट कर उनका सामना करें, जीत मिलेगी या तो सीख। दोस्तों बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे दिल से कहिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो सांवरिया सेठ की। आइए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों यह समय आप अपनी काबिलियत को पहचाने और उसका इस्तेमाल करें, इससे आपके कार्य प्रणाली बेहतर होगी। इसके उपरांत दोस्तों शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त महसूस करेंगे और अपने प्रियजनों की समस्याओं का भी समाधान निकालने में आपका विशेष सहयोग रहेगा, जो कि आपको काफ़ी जो है मानसिक खुशी मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय कोई विपरीत परिस्थितियाँ आ सकती है। अपना मनोबल बनाए रखें तथा किसी भी नज़दीकी संबंध के साथ वाद विवाद में अभी आप ना पड़े तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए उचित रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य नरम रहने की वजह से आपकी भी चिंता बढ़ सकती है। एक दूसरे का अधिक से अधिक ख्याल रखें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधित चीज़ों पर भी अधिक खर्च होने से बजट आपके समय बिगड़ सकता है। इसके उपरांत आपके घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह अवश्य अमल करें। किसी भी संबंधों में व्यक्तिगत समस्या का निर्धारण करने में आपके खुद के काम रुक सकती हैं। इस बात का अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, जो कि आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपका कोई खास कार्य बन जा और मन प्रफुल्लित रहेगा। देखिए भविष्य संबंधी किसी योजना पर भी विचार विमर्श होगा और वरिष्ठ सदस्यों की सलाह तथा मार्गदर्शन का अनुसरण करना आपके भाग्य और अधिक प्रबल करेगा। इसके उपरांत दोस्तों परिवार में उचित व्यस्तता बनाकर रखें, क्योंकि मन मुटाव की स्थिति अभी बन सकती है। कुछ लोग जलन के कारण आपके कार्य में विघ्न डालने के सक्रिय भी रह सकती हैं, इसलिए आपको इस समय भी सावधान और सतर्क रहना होगा। एक दूसरे पर भरोसा उतना ही करें जितना कि ये आपके लिए सही हो, ज़्यादा करेंगे तो परेशानी आपको बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों विद्यार्थी वर्ग
किसी को भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा और कुछ नई तकनीक का भी प्रयोग करके आप अपनी दिनचर्या के और अधिक व्यवस्थित करेंगे। घर को सजाने संवारने हेतु नई वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, यही आपके लिए उचित रहेगा। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, इसलिए अपनी कार्यशैली व योजनाओं को सबके आगे शेयर ना करें और जो पर्सनल बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं, एक दूसरे को ना बताएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उचित रहेगा। इसके उपरांत सितारे कहते हैं कि यह समय किसी अनुभवी व्यक्ति का मुलाकात होना और आपसी विचारों का आदान प्रदान करना दोस्तों के लिए फायदेमंद रहेगा। कामकाजी महिलाएं अपने घर के परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगी। धार्मिक यात्रा भी इस समय संभव है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक शांति देगा। इसके उपरांत कोई विपरीत परिस्थितियां आने पर आप उन पर नकारात्मकता जो है हावी ना होने दें, यही आपके लिए उचित रहेगा, बल्कि समाधान ढूंढने ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों की किसी बात को लेकर पड़ोसियों से कहा सुनी होने की आशंका है, आपको अपनी मेहनत उचित परिणाम न मिलने से मन थोड़ा जो है अशांत रहेगा, मगर आप चिंता मत करिएगा, समस्या जो है टल जाएगा और फिर पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। ये कुछ समय के लिए चलेगा, आपको बस मन को शांत रखना होगा और समय का इंतज़ार करना होगा। समय आने पर आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। इसके उपरांत आय का कोई स्रोत बढ़ने से रुके हुए कार्य में गति आएगी और प्रॉपर्टी अथवा किसी बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा फोकस रहेंगे। दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियाँ, कुछ उलझनें भी रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित होता जाएगा। परंतु जल्दबाजी तथा भावुकता में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, इसकी वजह से बने बनाए काम आपके बिगड़ सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय कारोबार में कुछ व्यवधान आएंगे, परंतु सहकर्मियों का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। अपने महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज संभाल कर रखें, साथ ही व्यवसाय संबंधित किसी भी यात्रा को भी स्थगित रखें, क्योंकि नुकसान होने की स्थिति बन रही है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय विशेष रूप से देखिए कामकाजी महिलाओं के लिए तो बेहतरीन रहेगा और बेहतरीन परिस्थितियाँ बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में आप जो बदलाव किए हैं वह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, इसलिए समय का उचित सदुपयोग करें। कार्यस्थल के सकारात्मक वातावरण से स्टाफ भी जो है ऊर्जावान रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय घर की व्यस्तता उचित बनाकर रखने के लिए स्वयं के स्वभाव में भी बदलाव लाना अभी जरूरी है। प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, एक दूसरे को ख्याल रखना होगा, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, यह समय स्वास्थ्य के प्रति सचेत और सावधान रहें। जरा सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है, इसलिए अपने जो है हेल्थ स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जाकर लिख दीजिएगा जय माता दी। माता रानी आपके जो है सारे कष्ट, सारे परेशानी दूर करेंगी। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।